बिस्मिल्ला तो वी आर डूइंग एडवास्ड रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम बात करे थे स्वाप्स में एंड बी स्टार्टेड विद इंटरेस्ट रेट स्वैप इसमें हम आज बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप की कॉम्पिटिशन कैसे होगी सो वी कैन हैव अ बेटर लर्निंग ऑफ दैट इट इज द रेट एट विच द एप्लीकेबल फिक्स लेग पेज बेसिकली स्वैप में नॉर्मली हमने बात की थी कि दो लेग्स होती हैं एक फ्लोटिंग साइड और एक फिक्सड तो so, जो स्वैप का रेट डिटर्मिन हो रहा होता है दैट इज मेनली परटेनिंग टू द fixed side and we can use the following formula to calculate the swap rate you can see it is 1 minus pvf divided by sum of the pv present values it represents the fixed rate intra swap which is symbolized as c equals 1 minus the present value factor that is applicable to the last cash flow date of the swap divided by the summation of all present value factor corresponding to previous

the mathematical representation is the value for pay fixed is n into f minus c and the present value of the present factor n हमने हमेशा बात की थी कि swap में एक notional amount होगी जिस पे ये swap की working exist करेगी f stands for the fixed rate and c is the fixed rate negotiated and logged in the initiation यानी कि एक revised जो आ गया है वो equilibrium वाला और एक जो हमारा original

एज लाइब और ये लाइबर जो है इट्स टेन टू चेंज उसमें अप डाउन जो है आती रहती ना सैंडी अदर रहतीसन ओन्स सिमिलर अमाउंट वन मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट दैट पेज हर वन पॉइंट फाइव एवरी मंथ अब इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसको जो है वो पर मंथ मिलता है द पेमेंट शी रिसीव नेवर चेंज बिकॉज उसका वो एक फिक्स स्ट्रीम है चार्ली डिसाइड दैट ही वो ड्रादर लॉक इन अंस्टेंट पेमेंट एंड सेंडी डिसीविंग हायर जो अपनी वो करंट पोजिशंस हैं उससे वो अपने आप को डेविएट करना चाह रहे हैं जो फिक्स ले रहा है वो प्लोटिंग लेना चाह रही है और जो फिक्लोटिंग कर रहा है वो फिक्स की तरफ जाना चाह रहा है तो एक ऑप्शन तो ये होगी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें दोबारा इन्वेस्टमेंट करें विच इज अ लेंथी एंड कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी होती है सेकेंड ऑप्शन इज दे कैन स्वैप सो चार्ली एंड सैंडी एग्रीज टू एंटर इंटू अ इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो आपस में हम कहते हैं कि ये हम आपस में अपनी पोजिशन को स्वैप कर लेते हैं अंडर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चार्ली एग्रीज टू पे सैंडी लाइबर प्लस वन कि अब उसको जो मिल रहा था लाइबर प्लस वन वो अब वो सेंडी को दे देगा ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट शुड बी सेम बिकॉज अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है क्योंकि अगर नोशनल प्रिंसिपल ना हो सेंडी एग्रीज टू पे चार्ली वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑन द सेम नोशनल अमाउंट अब दोनों ने अपनी जो उनके एग्री कर लिया कि जो खुद उनको मिलता था दे विल बी पासिंग इट ऑन टू द सेकेंड पार्टी now let's see what happens in different scenarios how things move on scenario one we have 0.25 so in when labor is 0 0.25 so charlie will receive the payment of 12500 how that is computed tha, 1 plus labor so one fixed plus labor 1.25 ki base pay he will be receiving 12500 और सैंडी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका वन पॉइंट फाइव परसेंट है विश इज बी रिसीविंग फिफ्टीन थाउजेंड लेकिन वी कुड शुड रिकॉल कॉल कि हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी पोजिशन को स्वैप कर लेंगे तो होगा क्या ना अंडर द टर्म स्वैप चार्ली ओज सैंडी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड चार्ली ने जो उसको मिला है वो उसने सैंडी को देना है एंड सैंडी ओज हर फिफ्टीन थाउजेंड जो उसको अपनी फिक्स स्ट्रीम से मिला है इसको अगर हम ग्राफिकली देख लें तो चार्ली को क्या मिला ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिला और सैंडी को अपनी इन्वेस्टमेंट पे फिफ्टीन थाउजेंड मिला तो सैंडी विल बी गिविंग दिस अमाउंट टू चार्ली फिफ्टीन थाउजेंड और जो चार्ली है उसने ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड देना है सैंडी को अब क्योंकि ये सेम करेंसी है तो ये पूरी पूरी अमाउंट्स नहीं ट्रांसफर होंगी वट विल बी डन इज़ कि इनको नेट ऑफ कर लिया जाएगा तो इसने पंद्रह दिन है और उसने बारह पांच सौ देना है तो व्हाट विल इफेक्टिवली बी डन इज नेट जो है वो चार्ली को ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मूव कर दिया जाएगा दिस विल विल हाउ द सिचुएशन सेटल तो जो उनकी अपनी डिजायर्ड थी टू गेट द फ्लोटिंग एंड द फिक्स दे विल बी गेटिंग अकॉर्डिंग टू दैट लेकिन ये सिचुएशन वन है द ट्रू ट्रांजेक्शन पार्शली ऑफ साइड इच अदर एंड सेंडी ओज चार्ली द डिफरेंस तो वो जो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है वो उसको कर लिया जाएगा इसको हम मल्टीपल सिचुएशन में डाल के भी चेक करेंगे कि वट एल्स कुड बी डन बिकॉज एज वी नो लाइबर की कोई फिक्स स्ट्रीम नहीं है थैंक यू